आज नासिक के इस सभागार में आप सबका स्वागत। आज का विषय अभी हम देखेंगे स्क्रीन पर, टू क्विट और नॉट टू क्विट, एंड इफ क्विट व्हाट टाइम टू क्विट, व्हेन टू क्विट, लेट्स सी। हार मान लेना और हार ना मानना, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि चुनौती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हार नहीं माननी है। ये सीख हमें अपनों से ही मिलती है, लेकिन अपने अनुभव से भी हम काफी कुछ सीखते हैं, और वो सीख है समय रहते हार मान लेना, यानी कि क्विट करना, दूसरे विकल्प की ओर आगे बढ़ना। आपके मन में ये सवाल कई बार आता होगा कि आपको क्विट करना चाहिए या नहीं। दरअसल इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं हो सकता। जिन लोगों में परिस्थितियों को बदलने की ताकत होती है, वो लोग चुनौतियों का डटकर सामना करने में यकीन रखते हैं, जबकि कई लोग चुनौतियों के मुताबिक अपने लक्ष्य को बढ़ा और घटा लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्विट करना आसान होता है, क्योंकि वो क्विट तो करते हैं लेकिन एक नई शुरुआत के लिए। आज के विषय में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्विट करना और ना करना क्यों जरूरी है। जिंदगी को अगर हम एक फुटबॉल की गेम की तरह से सोचें, सो फुटबॉल की गेम खेलने जैसा है जीवन, इसी से अगर समझेंगे, क्योंकि जब फुटबॉल खेलते हैं आप, तो इसको ज़िंदगी समझिए। हम फुटबॉल खेल रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगी है। हमारे साथ कौन कौन है हमारी टीम में? मेरा ज्ञान है, मेरी एजुकेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा पुरुषार्थ है, मेरी हिम्मत है, और बहुत सी चीज़ें हैं, परिवार है, हिम्मत देने वाले दोस्त हैं, ये सब मेरे साथी हैं फुटबॉल में, मेरी टीम में हैं। और आपने एक गोल तय किया है कि लाइफ में मुझे ये बनना है, यहाँ पहुँचना है, और सामने वाली टीम ये पूरा संसार। आपके मन में कई बार आता है ना, यार ये मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वाई मी? जब भी कुछ बुरा होता है हमारे साथ, तो हम कहते हैं मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है? आपके मन में आता है कि नहीं? कभी कभी ऐसा भी माहौल आता है, समय आता है, जब लगता है कि पूरा विश्व, पूरा संसार मेरे खिलाफ काम कर रहा। किसी का ऐसा तजुर्बा हुआ जब लगा हो कि पूरा संसार मेरे खिलाफ है, पूरा संसार मेरे विरोध में? सर, देयर वर सिचुएशंस वेयर आई हैड टू लीव माय जॉब एंड देन देयर वाज नो जॉब एंड माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन वाज आल्सो नॉट एबल टू टेक मी एंड देन देयर वाज अ डेड एंड इवन रिलेटिव स्टार्ट लुकिंग एट यू एज इफ यू आर अ लूजर, यू हैव नॉट डन एनीथिंग इन लाइफ, यू आर अ डबल पोस्ट ग्रेजुएट, यू हैव एवरीथिंग, बट ऑल डोर्स सीम टू बी शट एंड देन नोबडी इज रेडी टू हेल्प यू, इवन योर पेरेंट्स आर समटाइम्स नॉट दैट सपोर्टिव, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू, बट देन इट इज द डेड एंड व्हेन आई फेल्ट। सर एक्चुअली व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड आई रोट समथिंग इन माय डायरी व्हिच वाज मींस ट्रांसफर ऑफ फाइल्स, मींस टुडे वी कैन सी इट एज शेयर इट, but that was written, means I wrote it, but suddenly what happened, when I passed out my 10th, I used to think that I will launch it one day, but what happened, someone else launched it, and I am now, means I just feel like that someone has stolen my idea and using it, yes, as it, so that's what, that, that's that the felt. Time when you felt everybody is against you, yes sir. Sir, jab main sochta hu ki mera swabhav mujhse acha koi nahi janta is duniya mein, tab mujhe lagta hai ki sab jan, sab log mere khilaf hai sir. Are wah. या तो आप बहुत अच्छे आदमी हैं या फिर आप बहुत बुरे आदमी हैं। I have been studying for my entrance exams since last 2 years and I put all my efforts into it and when I did not qualify my JEE main exam, the entrance exam, I had no road ahead because whole 2 years I was dreaming that I'll get into a good college like an IIT or an NIT or some good government college, but I did not qualify, so it was like it was totally the end of my life for that point and I had no clue what to do. कैसे उससे निकले आप?
Actually, my dad helped me through it. And he motivated me and told me that it's not the end of time and you can do better. It's good. Okay, you tried your best. Okay. And it's not your fault. Okay, good. Anybody want to share experience when you felt that it is end of my life, but then you did something which took you out of that situation? मैंने जब बिजनेस शुरू किया था तो बिजनेस शुरू करने के बाद मैं पहले जॉब करता था. जॉब करने के बाद बिजनेस शुरू किया. बिजनेस शुरू करने के बाद मेरे मतलब बैंक के लोन्स और ये दोनों मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही थी. बीच में ऐसी कंडीशन हो गई थी कि जब मेरी मतलब बच्ची थी एक साल की हो गई थी और उसको जो पहले टीके दिए जाते थे तो उसके लिए पैसे भी मेरे पास नहीं थे. नहीं रहे थे सब. मैं बहुत टूट गया था. ओके. लेकिन एक बात मुझे पता है, चाह है तो राह है. ओके. और उसी को मैं मन में रखते हुए उसमें से बाहर निकल के आया. ओके, वेरी गुड, थैंक यू. जहाँ चाह है वहाँ राह है जी. एक्चुअली कुछ 10-15 साल पहले की बात है सर. दैट टाइम आई वॉज वर्किंग एज अ टेक्निकल असिस्टेंट एंड माई सैलरी वॉज वेरी स्मॉल. इट वॉज लाइक 6,000. और उस टाइम मैं मेरे घर के लिए सोच रही थी. आई यूज टू स्टे इन लोनी दैट टाइम. और जब घर के लिए सोच रही थी मेरे को लोन नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरी सैलरी उतनी नहीं थी जितना मुझे लोन मिल सकता था. फिर मैंने बहुत सोचा एंड देन दैट टाइम माई क्वालिफिकेशन वॉज ओनली डिप्लोमा. तो मैंने बहुत सोचा कि कब जब भी मुझे घर लेना है तो इस सैलरी से तो मुझे कभी लोन नहीं मिलेगा. देन वॉट शुड आई डू. उस टाइम मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया. सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ने साइड बाय वो नौकरी भी रखी. मेरा डिप्लोमा हुआ था 1991 में. 14 साल बाद मैंने अपना इंजीनियरिंग शुरू किया. सक्सेसफुली आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग विद डिस्टिंक्शन. देन आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन एंड नाउ मेरी सैलरी उतनी बहुत अच्छी है और मैं अपने खुद के घर में रह रही हूं. वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू. तो देखिए उन्होंने क्या किया कि चलो क्विट्स नहीं किया उन्होंने. आज का जो सब्जेक्ट है whether to quit or not to quit, उन्होंने क्विट नहीं किया लेकिन क्विट करने की तैयारी की कि जो अभी मैं डिप्लोमा करके जितनी सैलरी ले रही हूँ उससे ज़्यादा ले सकूँगी. कैसे ले सकूँगी? एजुकेशन बढ़ा के और करके ले सकूँगी. जब वो एजुकेशन सब पूरा हो गया तो देन आई एम श्योर यू मस्ट हैव चेंज द जॉब. सो दैट इज़ द टाइम व्हेन यू क्विट्स, व्हेन यू प्लान्ड फॉर द फ्यूचर. दैट्स गुड. 27 अगस्त को माता जी और पिता जी ट्रैवल कर रहे थे. सम बैड थिंग्स हैपन. एक्सीडेंट हो गया. माँ मेरी गुजर गई. मेजर 11 फ्रैक्चर्स थे पापा को. 16 डेज हॉस्पिटल में मैंने बिताया है. 3 हॉस्पिटल्स चेंज हुए. बट ईच एंड एवरी सेकेंड, ईच एंड एवरी मिनट एक फाइटर के लिए मैं, जैसे कि फाइटर एक लड़ता है वैसे मैंने लड़ा है एक हर एक दिन. तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि वर्स्ट टू वर्स्ट केस हो जाती है. मतलब वो एक्सीडेंट हुआ रात को 1:30 बजे. मुझे सुबह पता चला 7:30 बजे. ठीक है, 11 बजे मुझे पता चला कि माँ गुजर चुकी है. लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि मेरे लाइफ में जिस वार से फिर भी आप लड़ते रहे और आगे निकल गए. प्रेजेंस ऑफ माइंड मैंने रखा क्या करना चाहिए. अभी माँ तो गई है तो पोस्टमार्टम करके मैंने उसी दिन देहांत वगैरह सब हुआ और उसी से आपने हिम्मत नहीं हारी. बहुत अच्छी बात. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. सर मेरा ऐसे हुआ था, मैं ग्रेजुएशन में जब थी तब मेरे पर्सनल इशू के कारण मैंने 2 साल का गैप लिया था जिसके कारण मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना. बिकॉज दो साल बहुत होते हैं अपने एजुकेशन के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, हर चीज़ के लिए. तो वो 2 साल तो मेरे जा चुके थे. तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, कैसे आगे कैसे बढ़ूँ. तो उसके बाद फिर मेरे को कोई मोटिवेट करने के लिए भी नहीं था कि ठीक है तुम आगे ये करो वो करो, कोई भी नहीं. तो सर मैंने आपका शो देखा एंड जैसे जैसे मैंने आपका शो देखा मेरे अंदर वो मोटिवेशन अपने आप ही आया कि नहीं तुम करो करके आगे कुछ ना कुछ तो तुम्हारे लिए होगा ही पक्का. जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है. देन सर मैंने एमबीए में एडमिशन लिया एंड नाउ आई एम डूइंग एमबीए जस्ट बिकॉज ऑफ योर शो. सर आई एम हियर. यू आर गिविंग मी क्रेडिट. वेरी गुड. आई एम हैप्पी दैट समबडी इज, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर बेनिफिटिंग. आई एम ग्लैड. दैट्स द पर्पस. तो मैं ये कह रहा था कि जब हम एक वापस आते हैं फुटबॉल फील्ड पे, तो पूरा आपको लगता आप अपना गोल लेकर के भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गोल तक पहुंचने के लिए सब कुछ रोक, आपकी रुकावटें लग रही हैं, बीच में लोग आपको रोक रहे हैं. आप कई बार गोल तक पहुंचते पहुंचते भी एकदम से आपको उस वक़्त वहाँ पर रोक लिया जाता है. तो इसलिए कई कई बार अगर उस स्थिति में एक क्विट कर लेना कोई हार मानना नहीं है. मैं ये कहूँगा कई बार
फुटबॉल गेम में आपने देखा होगा ना कि फुटबॉल प्लेयर कई बार वो आगे बढ़ने की बजाय वो उल्टा चलने लगता है, अपना बॉल पीछे फेंक देता है अपने दूसरे साथी की तरफ, क्योंकि अल्टीमेटली उसका गोल है कि वहाँ पहुँचना। तो एज लॉन्ग एज वी नो दैट वी हैव टू अल्टीमेटली विन, इन बिटवीन किसी चीज़ को क्विट करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई उसमें हार मानना नहीं है। लेकिन हमारा समाज, हमारे भारतवर्ष का खास करके, और कंट्रीज मेकअप इज लाइक दैट कि हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कुछ होता है हमारे साथ, अच्छा या बुरा, हम उसको अपने समाज के साथ, अपने परिवार के साथ, सबके साथ मिलके भोगते हैं। कुछ अच्छा होता है तो भी समाज हमारे साथ आनंद लेता है, कुछ हमारे साथ बुरा होता है तो भी समाज खड़ा होता है। ऐसी स्थिति में बहुत बार, और ख़ास करके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ बहुत बार ऐसी स्थिति हुई होगी कि वो अपने बिजनेस में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, लेकिन उसको छोड़ भी नहीं पाते हैं। छोड़ दिया मैंने तो समाज को पता लग जाएगा कि ये आदमी तो बहुत घाटे में था, मेरी बात खुल जाएगी, लोग क्या कहेंगे कि देखो क्या हो गया, ये छोड़ दिया। इस चक्कर में वो आदमी सालों साल उस बोझ को उठाए हुए कंधे पर ढोता रहता है जानवर की तरह से, छोड़ नहीं पाता। ये मैं आज कहने के लिए आया हूं यहां कि ये मत सोचिए, लोगों के कहने की बात मत सोचिए, ये दूसरा रूप है। ठीक है, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम लोग समाज में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यदि मेरे को एक बार उससे छोड़ करके, और मैं अपना प्लान कर लूँ कि मुझे ये जगह छोड़ करके दूसरी जगह से अपना जीवन शुरू करना है, दूसरी जगह से गोल करना है, उधर से गोल नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, थोड़ा और पीछे चले जाइए, पीछे से मैं इतना अपने आप को सक्षम करूँ कि इतना ऊँचा गोल मारूँ कि सीधा जाके वो मेरे टारगेट पर पहुँचे, उस स्थिति में अपने आप को बनाना। इसलिए, और लोगों की बात जहाँ तक है, लोग तो कुछ तो कहेंगे, हाँ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। तो ये है आज का निष्कर्ष। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा ब्रेक। आज हमारे बीच में एक मेहमान हैं जिनको आप मिलकर के उनकी लाइफ से भी आपको लगेगा कि उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। डॉक्टर ओम प्रकाश जी कुलकर्णी इज अ साइंटिस्ट, मेंटर, एडवाइजर, टेक्नोलॉजिकल प्रोवाइडर। ही हैज हेल्ड सो मेनी पोस्ट इन द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, रिकग्नाइज एज ए साइंटिस्ट एट अ ग्लोबल लेवल इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इनकी 87 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, 104 अवार्ड्स मिले, और इनके साथ कुछ घटना घटी जिससे हिम्मत छोड़ सकते थे, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ करके आगे बढ़े। लेट्स वेलकम डॉक्टर ओम प्रकाश जी कुलकर्णी सर। कुलकर्णी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके साथ घटना हुई, आपका हार्ट केवल 35% काम करता है अभी जी, एक समय जब आपका हार्ट अटैक हुआ तब क्या विचार मन में आए, आपको क्या लगा था उस दिन, क्या लगा था जब आप हॉस्पिटल के बेड पर थे? नहीं, जब भी घर में मुझे हार्ट अटैक आया तो मैं समझ गया था कि ये मेरा आखिरी पल है, और जो हॉस्पिटल की ओर जा रहा हूँ तो वापस आने की उम्मीदें बहुत कम हैं। तो मैंने सिर्फ एक ही मन में लेखा जोखा आजमाया कि अब तक मैंने क्या किया और करना क्या बाकी रहा, यदि मौका मिल गया तो ये बाकी काम डबल जोर, ज़्यादा जोर लगाकर मैं करूँगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, और वो मैं कर रहा हूँ। वो कर रहे हैं। तो देखिए कि जो आदमी
अपने आप को एक समझ लिया कि मैं तो जाने वाला हूँ, फिर भी उन्होंने हिसाब लगा लिया, तैयारी कर ली कि अगर मैं वापस आया तो जोर शोर से वापस काम करूँगा और आगे बढ़ के काम करूँगा। अभी भी आपका हार्ट 35% काम करता है। बिल्कुल। कभी मन में कमजोरी आती है क्या? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं आती? नहीं आती, वो तो बस वो हार्ट अपना काम कर रहा है, मैं मेरा काम करूँगा। वेरी गुड। तो अभी आपकी कुछ एक दो यूनिट क्लोज भी हो गई उस दौरान में जी, लेकिन अब आप कैसे, हाउ आर यू प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ? जब मुझे रूबिया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला तो एक ही परहेज, मुझे कोलेस्ट्रॉल नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं, शुगर नहीं, डॉक्टर ने एक ही परहेज कहा कि फैक्ट्री के गेट के अंदर कदम नहीं रखना। दैट वाज द ओनली परहेज। दैट वाज सब कुछ आपका छीनने की बात हो गई। बस आप सोचिए कि सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन मैं हारा नहीं। मैंने एक ही सोचा, फैक्ट्री के अंदर नहीं कदम रखूंगा, उसको मनाई किया डॉक्टर ने, सारी दुनिया में कदम रखने के लिए मुझे मनाई नहीं किया। तो सारी दुनिया मेरे लिए खुली है, और दो फैक्ट्री बंद कर दी, तीसरे में मुझे कलिक डायरेक्टर्स ने 4.5 करोड़ का धोखा दे दिया। धोखा दिया, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। जो गया सो बीत गया, जो बीत गया एक सपना था, लेकिन आगे एक नई जिंदगी थी, तो वो जिंदगी और मैं बढ़ते गया, और बढ़ते बढ़ते कई अपॉर्चुनिटीज है दुनिया में, इतने अपॉर्चुनिटीज है कि मैं उसको जितना एक्सप्लोर करूं उतना कम है। वेरी गुड। अब ये आज का जो विषय है कि वेदर टू क्विट और नॉट टू क्विट, ये हमारे भारतीय परंपरा में, भारत के साइकी में, थिंकिंग में लोग क्या समझते हैं कि क्विट माने हार मान गया, अरे तो कार निकला, छोड़ के भाग गया। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये विवेक की बात होती है, वेन टू क्विट, टू क्विट और नॉट टू क्विट। जैसे कि आपको मैंने कहा कि डॉक्टर ने मुझे मना ही किया, फैक्ट्री में कदम मत रखो, तो आई हैड टू क्विट। नहीं तो डॉक्टर की सलाह न मानने का अंजाम क्या होता पता नहीं है, लेकिन आई डिड नॉट क्विट। इसी समय मैं कहूँगा कि फैक्ट्री के अंदर मैं नहीं गया, एक चीज को छोड़ दिया, लेकिन दूसरा उससे बड़ी दूसरी, उससे बड़ी बड़ी चीज मैंने हासिल की, हासिल कर लिया। आज मैं यूएई के शेख नायान को चीफ टेक्निकल एडवाइजर हूँ फॉर एनर्जी एंड इकोलॉजी, और यूएस के मैक्सवेल रिचर्डसन को मैं चीफ टेक्निकल एडवाइजर हूँ। वेरी गुड, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। आप इतना यूएस में, यूएई में, सब जगह इतना काम करते हैं, तो हमारे जो दर्शक घर बैठे हुए ये कार्यक्रम देख रहे हैं जी, उस कैमरा में, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हालात अपने बस में नहीं होते, हालात तो जैसे आते हैं वैसे आएंगे, उस हालात से हमें गुजरना ही होगा, लेकिन आपके पास 3 चीज़ें होगी तो आप उस पर हावी हो सकते हैं। एक है पावरफुल माइंड, दूसरा है प्रोग्रेसिव माइंड, और तीसरा है सेंसिटिव माइंड। पावरफुल यानी हर हालात का सामना करने की ताकत ईश्वर ने मुझे दी है, तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है तो मैं कभी मजबूर नहीं बनता, ये विचार हमें बल देता है। दूसरा है प्रोग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रेस, तरक्की एक ऐसी चीज़ है, इट्स ए कंटिन्यूअल थिंग, स्काई इज़ लिमिट, इससे मैं सहमत नहीं रहता, स्काई इज़ द बिगिनिंग। और तीसरी चीज़ है मैं पावरफुल बना, प्रोग्रेसिव बना, यदि मैं सेंसिटिव नहीं रहूँगा तो मेरा रावण हो जाएगा, कंस हो जाएगा, तो मुझे समाज के प्रति, मेरे परिवार के प्रति, द माइंड हैज टू बी सेंसिटिव। ये जो मैंने लिखा है, प्रतिभा ही प्रगति का सच, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हर व्यक्ति में, हर युवा में, हर किसी भी एज के व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार का टैलेंट है, लेकिन उसको पहचानना और उसके मुताबिक आगे बढ़ना, ये करेंगे तो ये, मैं समझता हूँ ये हमारे देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देयर इज ए ब्राइट चाइल्ड इन एवरी चाइल्ड। यस। और उसको आइडेंटिफाई करना। इंसिडेंटली 1986-87 में डॉक्टर मजीद रहनुमा, जो यूएनओ के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा विभाग के प्रमुख थे, और उनकी डिप्यूटी डॉक्टर मिसेस इकबाल इंडिया में आए थे, तो 10 दिन मुझे भारत सरकार ने उनके साथ रखा हुआ था जी। तो उस समय अभी सभी ये एजुकेशन के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, टीचर्स है, फैकल्टीज है और स्टूडेंट्स है। टू एजुकेट का मतलब उन्होंने ये कहा था कि आदमी में जो सुप्त गुण होता है उसका विकास करना, टू ड्रॉ आउट, हम लोग नॉट टू क्रैम। और उसके लिए 2 मिसाल दिए थे, ब्लॉसमिंग ऑफ ए बर्ड इनटू ए फ्लावर,
और कन्वर्टिंग द इनविजिबल इंटू नॉन डिस्टॉर्टेबल विजिबल फॉर्म, और उसके लिए अपनी जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है उसका उसने मिसाल दिया था कि उसके ऊपर एक्सपोज करते हैं तो इमेज रहती है लेकिन मैं वो देख नहीं पाता हूँ, उसको डेवलप करना पड़ता है, फिर भी मैं उसको उजाले में लेके आऊँ तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसको हाइपोफिक्सर में से पास करना पड़ता है तो वो स्टेबल हो जाती है। तो कन्वर्टिंग द इनविजिबल इंटू नॉन डिस्टॉर्टेबल विजिबल फॉर्म, और यही एजुकेशन का मतलब है। यदि इस प्रकार से हम युवा पीढ़ी को शिक्षा देंगे तो उनके सुप्त गुणों का विकास होगा और देश का भी विकास होगा। बहुत अच्छा। तो आपने देखा डॉक्टर ओम प्रकाश जी कुलकर्णी को, इन्होंने हार नहीं मानी, क्विट नहीं किया, क्विट किया तो एक चीज़ से क्विट करके दूसरी चीज़ में आगे बढ़े, और आज इनके पास 18 पेटेंट इनके नाम पे हैं, और सबसे बड़ा इन्होंने एयर में से पोर्टेबल वाटर कैसे निकालना ये टेक्नोलॉजी भी सोलर हीट के द्वारा विकसित की है, और जो कि ओपन है फॉर एवरीबॉडी इन द ह्यूमैनिटी। डॉक्टर साहब, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए चलिए अब अपने वापस इस चीज़ पे चलते हैं, क्विट और नॉट टू क्विट, इसके बारे में आपके कोई प्रश्न? मेरा ऐसा सवाल है कि 10 साल इंजीनियरिंग के हमारे भारतवर्ष में 8 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं और उनमें से सिर्फ 40% लोगों को नौकरी मिलती है, और उसमें से भी 30% जो होते उनको 7 या 8 हज़ार से कम पेमेंट मिलता है, तो इसका क्या कारण है? फिर मुझे लगता है कि भाई तू क्या इंजीनियरिंग करके क्विट कर गया, या तुझे करना चाहिए या नहीं, ऐसा लगता है मुझे। देखिए, ऐसे जो लोग आजकल मैंने देखा है मुंबई शहर में, इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट्स लिफ्ट मैन का काम करते हैं, ऐसी भी स्थिति है। लेकिन ये जो कार्यक्रम हम करते हैं ये इसका कारण यही है, हम प्रेरित करें आपको एज ए इंजीनियर को कि भैया अपना अपना कुछ ना कुछ बिजनेस शुरू करिए, नौकरी मांगने वाले की जगह नौकरी देने वाले बनिए। ये जो जो 30% लोग जो आपने कहा जो 6-7 हज़ार रुपये की नौकरी लेके भी सेटिस्फाइड होते हैं, वो अपनी प्रतिभा को पहचान नहीं पाए हैं, यही कहूँगा, इसलिए उन्होंने क्विट कर दिया, छोड़ दिया, हार मान ली है। जो हारेगा, जो हार मान लेगा वो आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा। शुरुआत में आप धान का कारोबार करते थे तो तब आपने ही लिखा है कि उसमें आपको लॉस आया था, तो उस टाइम आपने क्विट नहीं किया, आज आप इस स्टेज पर खड़े हो, तो ऐसी कौन सी कंडीशन थी, ऐसा आपने क्या विचार किया था कि आपको क्विट नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने लिखा है, मैंने जितने बिजनेस नए शुरू किए उससे ज़्यादा मैंने बिजनेस करते हुए बंद किए, तो इसलिए मैंने क्विट, जब भी मुझे लगा कि ये बिजनेस में मैं एक नंबर पे या ज़्यादा कम से कम भारतवर्ष में 2 नंबर पे नहीं रहूँगा तब तक उस बिजनेस को नहीं करूँगा, ये मैंने अपने मन में निर्णय किया हुआ था। और जो लगा कि चलो अब ये बहुत हो गया दाल का काम, इसमें अब आगे कुछ नहीं है, बहुत कंपिटिटर आ गए हैं और आ गए हैं, छोड़ के दूसरा काम शुरू कर दिया, उसको एक लिमिट तक देखा, वो उसका उसमें भी लिमिटेशन लगा, आगे और बढ़ना है तो तीसरा काम शुरू कर दिया, उसको छोड़ दिया। तो इसलिए मैंने कई बार क्विट किया लेकिन हार नहीं मानी, जीवन में बहुत मुसीबतें भी आई तभी भी हार नहीं माने, यही मैसेज है आपके। सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म के बारे में आप क्या कहेंगे? व्हेन इट कम्स टू क्विट और नॉट टू क्विट सिचुएशंस में पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म रखना जरूरी होता है, पॉजिटिव विच इज़ कि प्रैक्टिकल लाइफ को ध्यान में रखते हुए, नॉट पॉजिटिव बट प्रैक्टिकल ऑप्टिमिज्म, सो प्लीज़ आप इसको एलैबोरेट करेंगे। प्रैक्टिकल ऑप्टिमिज्म या पॉजिटिव सोचते हुए ऑप्टिमिज्म रखना एक बड़ी अच्छी एक मनोवृत्ति है या आपकी ट्रेट है, आपके अंदर हिम्मत है, लेकिन कभी कभी और दूसरे फैक्टर्स हम सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, उसके बाद भी उसके कारण से भी हम ऐसा मन में सोचने लगते हैं कि नहीं यार
लेट अस रिमेन ऑप्टिमिस्ट, ठीक हो जाएगा, भगवान ठीक करेगा। मैं अभी कल ही जा कर के वहाँ गंगा स्नान करके आई हूँ, वहाँ जाके भगवान को प्रसाद चढ़ा के आया हूँ, हो जाएगा ठीक, तकदीर मेरी बदलेगी, वो भी एक ऑप्टिमिज्म है अपने रूप से। लेकिन वो सोच के आप अपना बिजनेस को या अपनी स्थिति को और ना बिगाड़ें और बड़ा ईमानदारी का ऑप्टिमिज्म रखें तो वो सही है, लेकिन इन्फ्लुएंस्ड ऑप्टिमिज्म इज नॉट गुड। ये है सर। एक्चुअली अभी आपने बोला कि बहुत सारे बिजनेस आपने क्विट किए और नए शुरू किए, तो क्या ऐसे 5 पैरामीटर्स आप बता सकते हो कि जिसको मेजर करके कौन सा बिजनेस क्विट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कौन से 5 पैरामीटर होने चाहिए? वेरी गुड। ये एक कठिन प्रश्न है लेकिन साथ में बड़ा आसान भी है। आसानी रूप से मैं लूँ तो मैं ये कहूँगा कि ये हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी स्थिति पर निर्भर करेगा। जो जवाब मेरे लिए ठीक है वो शायद आपके लिए ठीक ना हो, आपके लिए जो ठीक है वो इनके लिए शायद ठीक ना हो, क्योंकि मुझे देखना है कि मेरे पास कितनी कैपिटल है। फॉर एग्जांपल इन अ बिजनेस, मुझे मेरा बिजनेस का इस समय इस पे ये रिटर्न ऑफ कैपिटल क्या दे रहा है। प्योर एंड सिंपल पहली चीज़ ये तो हम देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है। क्या मैं इस बिजनेस को, इस मेरी कैपिटल को अगर इस बिजनेस को छोड़ के दूसरे बिजनेस में लगाऊं तो क्या वो मेरे को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा दे सकेगा? शायद। दैट इज़ अनदर सेकंड वे। कई बार बहुत से बिजनेसेस आज के युग में खास करके हमें देखने को मिलते हैं, हम क्या कहते हैं हमारे बिजनेस में, हमको बिजनेस वो करना है या तो उसमें बहुत सा ही एक्सेसिव कैश फ्लो हो और कैश प्रॉफिट काफ़ी हो, और अदरवाइज ऐसा बिजनेस करिए जो मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा बढ़ाए, और तीसरा ये जो मेरी सोशल कैपिटल बढ़ाए। तीनों चीज़ें हैं, क्योंकि आज मैं जिस स्थिति पे खड़ा हूँ, मैंने पिछले वर्ष जब मैं 90 वर्ष हमारे ग्रुप के पूरे हुए तो मैंने वहाँ पे अनाउंस किया था कि अब से आगे मैं जो भी काम करूँगा वो सोशली रेलेवेंट बिजनेस होगा तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो वो भी एक अपनी चीज़ है। तो इसलिए कोई 5 चीज़ें ऐसी नहीं बताई जा सकती जो सब पे लागू हो सके। तो एक मैं आपको मिलाना चाहूँगा जिन्होंने संसार में कुछ ना कुछ चेंज दूसरे की लाइफ में लाए हैं, ऐसे हैं हमारे बीच में कुसुम जी दाईवालकर, एनवायरमेंटलिस्ट हैं और शी हैज़ बीन इन काइंड ऑफ प्लांटेशन, सरकारी काम भी किए हैं, आज भी एनवायरमेंट के काम करती हैं। आई लाइक टू ऑल ऑफ यू टू वेलकम कुसुम जी दाईवालकर, एनवायरमेंटलिस्ट। आपका स्वागत है। सो आज आप इतना सक्सेसफुल कैरियर आपका था, उसको पूरी तरह से तो नहीं छोड़ा है, आप अभी भी कॉरपोरेट्स के काम, उनके गार्डन बनाना इत्यादि करते। अभी हम देखेंगे स्क्रीन पर, लेट्स सी। पर्यावरण बचाएं, जीवन बेहतर बनाएं। हर किसी को जिंदगी में किसी न किसी से मोहब्बत होती है। मैंने पेड़ों से मोहब्बत कर ली। ये लाइन नासिक की रहने वाली कुसुम दही बेलकर पर सटीक बैठती है। लोग आपको प्यार से कुसुम ताई के नाम से बुलाते हैं। आप पर्यावरण को बचाने के लिए एक मुहिम चलाती हैं। पब्लिक को अच्छे अच्छे प्लांट दे सके कि जो एक रेयर हो गई है वो भी बना सके तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैंने एक छोटी सी नर्सरी डाली की जिसमें एक 12 गुंठा जमीन लेके इसमें सब ये बनाया है। और इसके वजह से क्या होता है कि जिसको रेयर प्लांट चाहिए, दुनिया में कौन सी भी व्यक्ति हो प्रचार करे तो यहाँ मिल सकते हैं। और यहाँ हमने ऐसा ही प्रचार किया है कि आपको जो चाहिए यहाँ मिलेगा। आपका पेड़ पौधों से गहरा लगाव रहा है। वन विभाग में काम करने के दौरान पेड़ों से इतना लगाव हुआ कि रिटायरमेंट के बाद भी आपने पेड़ों के बीच ही रहने की ठानी। आप एक नर्सरी भी चलाती हैं जिसमें 2000 से ज्यादा दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे मौजूद हैं। आप लोगों को फ्री वर्कशॉप के जरिए पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करती हैं। आपका मानना है कि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ दवा भी जरूरी है।
और ये दवा हमें पेड़ पौधों से मिलती है। आपकी मुहिम सुरक्षित मानव जीवन की कल्पना साकार करने में मील का पत्थर साबित होगी। ये जो आपको कुसुमताई के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं और इस एनवायरनमेंट के बारे में जो आप लोगों को प्रोत्साहित करती हैं, उसमें उसके पीछे क्या भावना आपके मन में? भावना ऐसी है कि जो दुनिया में आज जो रोटी कपड़ा मकान आप ही बोले कि इम्पोर्टेंट थिंग है, इतनी ही दवा इम्पोर्टेंट है कि रोटी कपड़ा मकान के साथ अगर दवा नहीं हुई तो आदमी आज जीवन जग सकता नहीं है। इसके लिए मैंने ऐसा सोचा कि आफ्टर रिटायरमेंट मुझे जो 5 जनरेशन से जो ज्ञान मिला है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो ज्ञान मिला है, इसमें से मैंने ऐसा सोचा कि जो मेरी पूंजी है थोड़ी सी, उसमें से अगर अलग अलग वैरायटी का प्लांट्स मैंने कलेक्शन करके एक म्यूजियम बनाया है, उसमें 2000 प्रकार की वैरायटीज है। इसमें देखो कि भगवान ने भी बोला है 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियाँ पेड़ पौधों की रहती है। ऑल वर्ल्ड में 1,50,000 प्लांट्स पहचानी गई है, आइडेंटिफिकेशन हुआ है। इंडिया में 17,500 प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन हुआ, उसमें से 8,000 प्लांट्स मेडिसिनल है और मेडिसिनल प्लांट्स में से इंडिया में 5,450 प्लांट्स ओनली इंडिया में मिलती है। एंड आज मिति में जो 3,000 प्लांट्स लुप्त प्राय हो गई है अगर कगार पे है, तो प्लांट बचाने का कंजर्वेशन का काम मैं करती हूँ। अन एक इंडिया के हिसाब से देखो तो 10,000 फैक्ट्रीज है जो मेडिसिनल दवाएं तैयार करती है। तो आज जंगल में कितना बचा है आपको भी पता है, खेती में कितना बचा है आपको ही पता है, तो क्या जेन्युइन दवा मिलती है बाजार में, इसमें एक संशोधन करने का सब्जेक्ट है। तो ये 10,000 आपको पता था आप लोगों को कि इतनी तरह के प्लांट्स होते हैं और हिंदुस्तान में 8,000 में से 4,700 मेडिसिनल प्लांट आपके देश में है, ये पता था आपको? तो बताइए कितनी बड़ी एक धरोहर आपने इतनी डिस्कवर की है इस प्रकार से। और जैसे कि उन्होंने कहा, एक तरफ तो आप देखिए कि हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनको पूरा नहीं पड़ता, उनका खर्चा पूरा नहीं होता। दूसरी तरफ हम अपनी धरोहर को भूल के बैठे हैं जो कि उसी एक एकड़ में शायद 10 गुना ज़्यादा इनकम दे सके किसानों को। आपके कोई प्रश्न कुसुमताई से? मैम मुझे पूछना है कि जैसे कि अभी आयुर्वेद का जो मेडिसिन रहता है, तो मैम जैसे अमेरिका यूएसए 40% इसका यूज़ करते हैं और हम इंडियंस जो हैं 4% जो हमने ढूंढे हैं उसे, ओरिजिन भी हम ही नहीं किया है। इवन मोर चाइना और जापान हमसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये जो विश्वास है मतलब लोगों का कि हमें यूज़ करने चाहिए, ये जो बॉन्डिंग है मतलब नहीं हो पाता है, गैप है मतलब बना हुआ। आप बोले कि ठीक है यूज़ करो, मेडिसिन करना चाहिए यूज़, सभी को पता भी है, पर ये विश्वास नहीं जब मतलब उनमें जाग नहीं पाता कि हमें यूज़ करना चाहिए और ये हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। हाँ, इसलिए नहीं यूज़ करते हैं हम लोग क्योंकि हमने दुर्भाग्यवश आयुर्वेद को एक सस्ते गरीब लोगों की दवा है ये बना दिया, इसलिए लोग यूज़ नहीं करते हैं। क्यों ताई, ऐसा है कि नहीं? ये तो बराबर है, लेकिन हाँ। मैं बोलती हूँ कि आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार के जो डॉक्टर है, आयुर्वेद के डॉक्टर 719 प्लांट्स का यूज करते हैं, यूनानी 450, तिबेटीज 472, होम्योपैथी 126 एंड एलोपैथी ओनली 49। शरीर जो बना है वो टोटल वनस्पति से बना है। अगर आप बोलोगे तो मैं मांसाहारी हूँ, तो मांसाहार के साथ साथ हम राइस भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, तो फिर वनस्पति आई ही उसमें। तो शरीर अगर वनस्पति से बना है तो शरीर के लिए वनस्पति की दवा ही यूजफुल है। एलोपैथी आप ले सकते हो, नहीं ले सकते, साइड इफेक्ट बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के। तो देखिए हम अपनी धरोहर को यूज़ नहीं करते, ये उनकी बात से लगा और उनके मन में कितना ये है प्लांट्स के प्रति प्रेम, एनवायरनमेंट के प्रति प्रेम, ये जानने की जैसे सरीखी बात है। बल्कि ये बात अगर सरकार में कोई व्यक्ति सुन रहा हो तो आपसे भी मैं कहूँगा कि अपनी शिक्षा के कैरिकुलम में ये सब बातें भी ज़रूर डालिए जिससे कि सब लोगों को लाभ हो। अब जो क्विट और नॉट टू क्विट, उसके अंदर मैं फिनिशिंग रिमार्क्स देना चाहूँगा। उसमें यही कहूँगा कि मन के
अंदर जो मनोवजन रख के हम चलते हैं किसी भी कारण से, चाहे सर्विस में हो, बिजनेस में हो, कई बार जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है उसको हम करते रहते हैं। यानी आप देखेंगे बहुत से लोगों को जिनको काम करने में जब आनंद आता है ना, तो उनको काम काम नहीं लगता, वो भी अपने आप में आनंद उसका मिलता है, इसलिए कभी थकावट नहीं होती। लेकिन जिसको काम करने का मन नहीं करता है, जो काम आपकी मर्जी का नहीं है, फिर भी आप किसी कारण से करते जा रहे हैं, इसका मतलब आप उस बोझ को ढो रहे हैं। वो बोझ को ढोएंगे तो जल्दी थकावट आएगी, लाइफ में भी जल्दी थक जाओगे और जल्दी चले जाओगे, और दुनिया क्या कहेगी कि यार ये बेचारा सारी उम्र ये करते करते चला गया बेचारा। अपने आप को बेचारा मत कहलवाइए, छोड़िए जो चीज़ ठीक नहीं लगती हो, जो काम ठीक लगता हो उसी को करिए, जिसमें करने में आनंद आता हो उसी को करिए। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुभाष चंद्रा शो मध्ये भाग घेण्यासाठी scshow@subhashchandra.com वर मेल करा किंवा SMS करा scshow, स्पेस द्या, आपला प्रश्न लिहा आणि पाठवा 57575 वर।